गैस पे मैंने पैन रख दिया है, पैन गर्म हो चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे 250 ग्राम मावा। मावा को हम इस तरीके से सेक लेंगे। मावा सेकने के बाद हम इसे निकाल लेंगे और अच्छे से ठंडा कर लेंगे। ये देखिए मावा ठंडा हो चुका है, अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं। अब हम इसमें डालेंगे चीनी, पाउडर शुगर डाल देंगे हम इसमें। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हो। अब हम इसमें डाल देंगे इलायची पाउडर, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। गैस पे मैंने पैन रख दिया है, इसमें हम डाल देंगे डेसिकेटेड कोकोनट और थोड़ा सा घी डालकर हम इसे इस तरीके से सेक लेंगे। अब हम इसमें कुछ ड्राई फ्रूट डाल देंगे, आप अपने पसंद के अनुसार जो भी ड्राई फ्रूट आपको पसंद है आप डाल सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स को मैंने इस तरीके से दरदरा पीस लिया है। अब हम इसमें डाल देंगे एक चम्मच कंडेंस मिल्क, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गैस की फ्लेम ऑफ कर दी है मैंने, अब हम इसे निकाल लेंगे। यहाँ पे मैंने मोदक का मोड़ लिया है, इसे हम घी से इस तरीके से ग्रीस कर लेंगे। अब इसमें डाल देंगे हम मावा। मावा को इस तरीके से अच्छे से प्रेस करते हुए हम अच्छे से इसमें फिल करेंगे। ये देखिए इस तरीके से, बीच में मैंने इस तरीके से इसमें थोड़ी सी जगह रखी है। अब हम इसमें जो ड्राई फ्रूट्स हमने सेक के रखे हुए थे वो हम इसमें फिल कर देंगे। ऊपर से हम लगा देंगे मावा और इसे अच्छे से प्रेस कर देंगे। डीमोल्ड करेंगे अब हम इसे। ये देखिए मावा मोदक बनकर तैयार है, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही बढ़िया मावा मोदक बनकर तैयार है। इसी तरीके से हम सारे मोदक बनाकर तैयार कर लेंगे और इसे पिस्ता से हम गार्निश कर लेंगे। ये देखिए बहुत ही बढ़िया मावा मोदक बनकर तैयार है। तो आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें।